सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। LAC ते हथियारां नाल चीनी फौज की मौजूदगी गंभीर चुनौती जयशंकर। जी हां, दस दईए कि भारत चीन सरहदी विवाद विचाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख विच LAC ते हथियारां दे नाल चीनी फौज की वड्डी तादाद विच मौजूदगी ते चिंता जाहिर की है। उन्हां इस नूं भारत की सुरक्षा लई गंभीर चुनौती करार दिता। एशिया सोसायटी वल्लों करवाए एक डिजिटल प्रोग्राम विच विदेश मंत्री ने कहा, लद्दाख विच LAC ते चीनी फौज का रवैया दोवां देशां दे विच 30 सालां तों ज्यादा समय तो जो प्रभावी समझाते हैं उन्हां दे उल्ट है। LAC ते हथियारां नाल वड्डी तादाद विच चीनी फौज तैनात है, जो सुरक्षा दे लिहाज नाल साडे लई गंभीर चुनौती है। विदेश मंत्री ने कहा, दोवां देशां विचाले 1993 तो लैके कई समझौते होए हन जिन्हां ने उस नूं शांति ते अमन चैन की रूपरेखा तैयार की, जिसने सरहदी खेतरां विच आउण वाले फौजी बलां नूं सीमित किया ते सरहद ते तैनात फौज एक दूजे वल वधण दा किवें वतीरा करन। चाली दहशतगर्दी हमलिया सामने खड़े होने वाले बलविंदर सिंह कतल, CM ने सौंपी SIT नूं जांच। जी हां, दस दईए कि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शौर्या चक्कर अवार्डी कामरेड बलविंदर सिंह उपर होए जानलेवा हमले की सारी पहलुआं तो जांच करन लई फिरोजपुर दे DIG दी अगवाई विच विशेष जांच टीम SIT दा गठन करन दे हुकम दिते हन। परिवार मुताबिक दहशतगर्दी दौर दौरान बलविंदर सिंह चाली दहशतगर्दी हमलिया सामने डट के खड़ा रहे। बलविंदर सिंह दी पत्नी ने कतल दी वारदात विच दहशतगर्दी साजिश दा खदशा जताया है। बलविंदर सिंह दी मौत उत्ते दुख दा प्रगटावा करदिआं मुख्यमंत्री ने DGP दिनकर गुप्ता नूं जांच विच तेजी लियाउण दे हुकम दिते हन, तां कि दोषियां दी शनाख्त करके उन्हां खिलाफ कानूनी कारवाई नूं यकीनी बनाया जा सके। घटना दा गंभीर नोटिस लैंदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि SIT वल्लों कीती जाण वाली जांच विच सारीआं संभावनावां तलाशीआं जाणगीआं। उन्हां कहा कि जो भी कतल दा दोषी पाया गया उस खिलाफ सख्ती नाल पेश आया जावेगा। स्कूलां ते पंजाब सरकार दी वड्डी कारवाई, कोविड दौरान नियमां दी अणदेखी ते इन्ने स्कूलां दी NOC रद्द। जी हां, दस दईए कि कोविड-19 महामारी दौरान सूबा सरकार वल्लों जारी कीते गए दिशा निर्देशां दा उल्लंघन दे मामले विच पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने गंभीर नोटिस लिया है। वख-वख जिलियां दे 9 प्राइवेट स्कूलां दी NOC रद्द कर दित्ती गई। सिंगला ने दस्सिया कि कोविड-19 महामारी दौरान ज्यादातर शिकायतां मुलाजमां दी तनखाह ना देण अते घट देण नूं लै के आईआं सन। शिकायतां मिलण दे बाद स्कूल सिक्ख्या विभाग ने संबंधित स्कूल प्रबंधां नूं नोटिस जारी करके जवाब मंगिया। जवाब तसली बख्श ना मिलन की वजह करके NOC रद्द की गई। जिन्हां स्कूलां दी पंजाब सरकार वल्लों NOC रद्द की गई है उन्हां दे विच 2 स्कूल अमृतसर, 3 लुधियाणा नाल संबंधित ने, जबकि 1-1 स्कूल फतेहगढ़ साहिब, हुशियारपुर, बठिंडा अते जलंधर जिले नाल संबंधित है। इस विच अमृतसर दा दिल्ली पब्लिक स्कूल अते देविंदरा इंटरनेशनल स्कूल शामिल है। पंजाब विच आ रहा नवा किराया कानून, बदल जाणगे पुराने नियम, किराएदारां ते मालकां नूं होएगा इह लाभ। जी हां, दस दईए कि पंजाब विच नवा किराया कानून लागू होण जा रहा है। इस नाल आम लोकां नूं काफी फायदा होण दी उम्मीद है अते नवें कानून मुताबिक मकान मालक ते किराएदार दे अधिकार ते फर्ज तय कीते गए हन। सरकारी अधिकारियां दा दावा है कि इस नाल लड़ाई झगड़े ते कई कानूनी उलझणां खत्म होणगीआं। दस दईए कि पुराने किराए कानून कारण किराएदार ते मकान मालका दरमियान झगड़े दी कानूनी लड़ाई इन्नी लंबी हो जांदी है कि किराए दीआं इमारतां वी खस्ता हो जांदीआं हन। अजिहे विच मकान मालक वी खाली नहीं करा पाउंदे ते किराएदार वी मरम्मत करवाउण तों असमर्थ हुंदे हन। मकान मालक ते किराएदार दे अधिकार ते फर्ज। नंबर 1, किराएदार नूं किराएनामे दा इक असली नोट किराएदार नूं दित्ता जावेगा। नंबर 2, जो किराया इकट्ठा हो रहा है उस दी रसीद किराएदार नूं दित्ती जावेगी। नंबर 3, किराया रेंट
अथॉरिटी के नियमों अनुसार किया जाएगा। नंबर 4 इमारत की मुरम्मत आदि बारे लिखित विच एक समझौता होगा। नंबर 5 किराएदार इमारत की देखभाल लई जिम्मेवार होगा। यह किराएदार की जिम्मेवारी होगी कि वह आले दुआले के लोगों के बुनियादी अधिकारों विच दखल अंदाजी ना करे, गैर कानूनी काम लई इमारत की वरतों ना करो। नंबर 6 किराएदार इमारत छड्डन तो पहला नोटिस देवेगा। मकान मालिक इमारत खाली करवाउन तो पहला नोटिस देवेगा। केजरीवाल सरकार दा वड्डा ऐलान, इलेक्ट्रॉनिक कारां ते नहीं लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस। जी हाँ, दस दईए कि दिल्ली विच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनां लई रजिस्ट्री फीस विच वड्डी राहत देण दा ऐलान कीता। इस तहत वाहनां दी रजिस्ट्री फीस विच छोट देण दा ऐलान कीता गया। बैटरी नाल चलण वाले वाहनां लई कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लई जावेगी। इस दा ऐलान दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कीता। इस नाल इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदण दे चाहवानां नूं वड्डी राहत मिली है। इस ऐलान तों बाद दिल्ली दे ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं इस लई वधाई दित्ती है। सुखबीर ने पुराने नेतावां नूं सौंपी बसपा नाल गठजोड़ दी जिम्मेवारी। जी हां, दस दईए कि अकाली दल वल्लों खेती कानून दे विरोध विच भाजपा नालों दहाकिया पुराना रिश्ता तोड़न दे फैसले ने पंजाब दे सियासी हालातां नूं पूरी तरह बदल के रख दिता, जिस संबंधी आने वाले समय दौरान कुछ होर हलचल देखण नूं मिल सकदी है। जिस दे तहत अकाली दल वल्लों बसपा नाल गठजोड़ करन दे यतन तेज हो गए हन, जिस दी जिम्मेवारी सुखबीर बादल ने पुराने नेतावां नूं सौंपी है। यह गल किसे तों लुक नहीं है कि बसपा नूं पंजाब दीआं लोक सभा जां विधान सभा चोणां विच मिलण वाले दलित वोट बैंक दा सिद्धा नुकसान कांग्रेस नूं हुंदा है। हुण अकाली भाजपा दी लड़ाई तों बाद वोट शेयरिंग ना होण दा फायदा कांग्रेस नूं मिलण दी संभावना है, जिस दे मद्देनजर सुखबीर दे सामने सब तों वड्डी चुनौती पिंडां दे नाल नाल शहरां विच वी अकाली दल दे वजूद नूं बचा के रखण दी है, जिस दे तहत नवें बदल दी भाल शुरू हो गई है। क्योंकि अकाली दल नूं टकसाली ग्रुप दे विरोध कारण होण वाले नुकसान की भरपाई भी करनी पवेगी। पाकिस्तान विच करतारपुर लांघे की उसारी ते लाहौर हाई कोर्ट ने संघी सरकार ते चुके सवाल। जी हां, दस दईए कि लाहौर हाई कोर्ट ने सूबा पंजाब विच करतारपुर लांघे की उसारी बारे संघी सरकार तों जवाब तलबी कीती है अते अधिकारियां नूं इह दस्सण लई निर्देश दित्ते हन कि इह प्रोजेक्ट सूबाई सरकार दे मामलिआं विच दखल तां नहीं सी। लाहौर नारोवाल रोड की उसारी विच अचानक देरी विरुद्ध पटीशन ते सुनवाई करदिआं लाहौर हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिन खान ने वीरवार नूं संघी कानून अधिकारी नूं पुछिआ कि सड़क बनाउण लई कौण जिम्मेवार है, संघी जां सूबाई सरकार। कानून अधिकारी ने कहा कि सड़क दे निर्माण लई फंड जारी करन दा मामला संघी सरकार दे दायरे विच नहीं है। चीफ जस्टिस ने पुछिआ जे सड़क दा निर्माण इस सूबे दा विशा है तां संघी सरकार ने करतारपुर लांघे दे प्रोजेक्ट दा निर्माण अते नियंत्रण किवें कीता, की सरकारां अपनियां निजी इच्छावां ते कम करदियां हन जां कानून दे अधीन। जज ने कानून अधिकारी नूं हदायत कीती कि ओह अदालत नूं इह दसण कि करतारपुर लांघा प्रोजेक्ट पंजाब सूबे दे मामलिआं विच संघी सरकार दा दखल तां नहीं सी। जज ने कहा कि जे सूबे दे मामलिआं विच संघी सरकार दा दखल साबित हो गया तां अदालत प्रधान मंत्री नूं नोटिस जारी कर सकदी है। जॉन सीना ने चुप चुपीते करवाया विआह, फैंस नूं दित्ता इस तरह सरप्राइज। जी हां, दस दईए कि हॉलीवुड अभिनेता दे WWE दे चैंपियन जॉन सीना ने अपनी गर्लफ्रेंड शैरियत जादे नाल चुप चुपीते विआह करवा लिया। उन्हां ने फ्लोरिडा दे टैंपा विच एक निजी समारोह विच विआह करवा लिया। परिवारिक मैंबर अते कुछ नेड़ले रिश्तेदार ते दोस्त इस विआह विच शामिल होए। उन्हां दा विआह 12 अक्तूबर नूं होया सी। शायद ते जॉन ने विआह तों बाद सोशल मीडिया ते विआह करवाउण ते खुशी जाहिर कीती। जॉन सीना ने ट्वीट करके लिखिया, मैं खुश होवांगा जे मैनूं सिर्फ एक्स मिल जावे। अपनी पूरी जिंदगी खुशियां दा पिछा करना अते कदे वी खुशियां नहीं लब्भणा इह इक वधिया ढंग है। जॉन अते शाए मार्च 2019 तों इक दूजे नूं डेट कर रहे सी ते इस साल दे शुरू विच उन्हां दोवां ने मंगणी बारे दस्सिया सी।
एक बल्ब एक पखा ते बिल 1,00,000 रुपए। जी हाँ, दस दईए कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड दी गलतियां दा खामियाजा खपतकारां नूं भुगतना पै रहा है। घर विच सिर्फ एक पखा अते एक बल्ब दे नाल परिवार दा गुजारा करन वाले गरीबी रेखा दे हेठां रह रहे लोकां नूं वधेरे बिल भेज के मानसिक तौर ते परेशान किया जा रहा है। यह गल जिला भाजपा सकत्तर श्रुति विजने वार्ड नंबर 12 दे इलाके गंडा सिंह दे वासियां नाल PSPCL वल्लों जारी किए गए गलत बिलों नूं दिखाउंदे होए कही। उन्हां कहा कि PSPCL अपनियां गलतियां दा खामियाजा आम जनता दे सिर ते नहीं मार सकदी। जेकर PSPCL वल्लों भेजे गए गलत बिलों नूं एक हफ्ते विच ठीक ना किया गया अते गलत रीडिंग दे रहे मीटरां नूं ME लैब तो नहीं चेक करवाया गया तां मजीठा रोड स्थित PSPCL दे ऑफिस दा घिराओ किया जाएगा। गलबात करदे होए विज ने कहा कि बिजली हरेक व्यक्ति दी मुढली जरूरतां विचों इक है जिसदे बिना गुजारा किया जाना संभव नहीं। PSPCL खपतकारां नूं ठीक बिल नहीं भेज रहा, खपतकारां नूं एवरेज खपत दे आधार ते बिल जारी कर रहा है। PSPCL दे कर्मचारी अपने आलीशान दफ्तरां तों बाहर निकल के वेखे कि एक बिजली बल्ब ते पखे दे नाल 1,00,000 दा बिल आ सकदा है। हालांकि गरीबी रेखा दे हेठा रह रहे परिवारां नूं 200 यूनिट बिजली भी माफ हन, फिर भी उन्हां दा बिल 1,00,000 रुपए तो उपर आया। पराली तो रोजाना बनाई जा रही 72,000 यूनिट बिजली, किसानां नूं प्रति एकड़ मिल रहे 2,500 तो 3,000 रुपए। जी हाँ, दस दईए कि खन्ना दे अमलो रोड ते श्री गणेश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड वल्लों पराली तो बिजली पैदा करन दा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिस तों 72,000 यूनिट बिजली पैदा कीती जा रही है। यह जानकारी श्री गणेश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड दे SD वरिंदर कुमार गुड्डू ने डिप्टी कमिश्नर लुधियाना वरिंदर कुमार शर्मा नूं दौरे दौरान दित्ती। वरिंदर गुड्डू ने दस्या कि इस प्लांट राही लुधियाना ते फतेहगढ़ साहिब जिलियां विच 35,000 एकड़ रकबे विच झोने दी पराली इकट्ठी कर रहा है। ओह झोने दी पराली लई किसानां नूं प्रति एकड़ तकरीबन 2,500 तो 3,000 रुपए अदा करदे हन। प्लांट नूं 2014 विच स्थापित कीता गया सी ते पहला 36,000 यूनिट रोजाना बिजली पैदा कीती जांदी सी ते हुण इस दी समर्था 72,000 यूनिट रोजाना तक पुज गई है। DC वरिंदर कुमार ने कहा कि झोने दी पराली नूं साड़ना ना सिर्फ साडे वातावरण ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। इंश्योरेंस कंपनियां पहली जनवरी तो पेश करनगियां सरल जीवन बीमा स्टैंडर्ड टर्म लाइफ पॉलिसियां। जी हां, दस दईए कि भारतीय बीमा रेगुलेटरी अते विकास अथॉरिटी ने जीवन बीमा कंपनियां नूं 1 जनवरी 2021 तक एक मानक सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करन दा निर्देश दिता। इस तरह दी पॉलिसी नाल ग्राहकां नूं चंगा फैसला लैण विच मदद मिलेगी। ईडा ने कहा कि सरल जीवन बीमा पॉलिसी शुद्ध रूप नाल एक फिक्सड जीवन बीमा योजना होवेगी जिस नूं 18 तों 65 साल दी उम्र दा कोई भी व्यक्ति लै सकेगा अते इस दी म्याद 4 तों 40 साल तक होवेगी। दिशा निर्देशां अनुसार इस बीमा योजना तहत व्यक्ति 5,00,000 रुपए तो लैके 25,00,000 रुपए तक दा बीमा करवा सकदा है। ईडा ने अपने सर्कूलर विच सारियां लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां नूं इस साल 31 दिसंबर तक ईडा दे नाल प्रोडक्ट फाइल करन नूं कहा। व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी सरल जीवन बीमा दीआं विशेषतावां। नंबर 1, पॉलिसी दौरान आत्म हत्या नूं शामिल नहीं कीता जाए। नंबर 2, इस विच एंट्री करन लई घट तो घट उम्र 18 साल अते वध तो वध उम्र 65 साल होवेगी। पॉलिसी दी म्याद 5 तों 40 साल तक होवेगी। नंबर 3, सरल जीवन बीमा विच 70 साल दी ज्यादा मैच्योरिटी उम्र दी आग्या होवेगी। दोस्तों, जे तुहानू इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्यो, लाइक अते शेयर जरूर करियो अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो। धन्नवाद।